एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है हमारे 90 डेज चैलेंज का डे नंबर 49। तो देखो, मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। देखो, मेरे साथ ऐसा बहुत होता है, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि जैसे मैं अपने 90 डेज चैलेंज का रूटीन फॉलो करती हूँ और मेरे को इतने दिन हो गए, बट बीच में कभी फ्रेंड्स के साथ जाती हूँ या कभी कुछ भी किसी रीजन से, या कभी मन करता है तो एक बार चीटिंग हो जाती है। तो पहले मैं भी सोचती थी यार चीटिंग हो गई ना तो पूरी मेहनत वेस्ट हो गई, तो पूरे दिन भर चीटिंग करते हैं, रूटीन फॉलो नहीं करते हैं, एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं। देखो, इतनी जल्दी किसी की आदत नहीं जाती है, ठीक है। आदत है जंक फूड खाने की, तो एक बार तो गलती से चीटिंग हो जाती है, ठीक है। तो उस चीटिंग के चक्कर में आप लोग अपनी पूरी मेहनत वेस्ट मत करो। चीटिंग हुई है, नहीं करनी चाहिए थी बट हो गई है, तो उसको उसके चक्कर में आगे की मेहनत वेस्ट मत करो। अपना पूरा रूटीन फॉलो किया करो और उस चीटिंग को साइड में रख के पूरा रूटीन फॉलो किया करो, और जैसे करते हो वैसे ही करा करो। एक बार चीटिंग तो मेरे अकॉर्डिंग चलती है, शायद मेरे अकॉर्डिंग एक बार चीटिंग तो हो जाती है। इतनी जल्दी आप सभी ना आदत बदल सकते हैं, तो एक बार चीटिंग तो हो ही जाती है, तो कोई बात नहीं। उसको इतना ध्यान में रख के अपनी पूरी मेहनत को और आगे वेस्ट मत करते जाओ, उसको साइड में रख दो कि हाँ हो गई चीटिंग, अब कोई बात नहीं, आगे से चीटिंग नहीं करेंगे और रूटीन को वैसे ही फॉलो करो, ठीक है। देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि जरूरी नहीं है हमें वेट लॉस करना है तो हमें उबला हुआ खाना ही खाना पड़ेगा, बॉइलिंग चीजें ही खानी पड़ेगी, पानी पीते रहना पड़ेगा सारा टाइम, पानी में जियोगे अपना पूरा दिन, ऐसा थोड़ी ना होता है। फिर तो आप जब खाओगे खाना तो आप वापस से गेन कर लोगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। मेरे अकॉर्डिंग क्या है, देखो हम वेट लॉस घर के खाने के साथ भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें उबली हुई चीजें ही खानी है वेट लॉस करने के लिए। हम वेट लॉस घर के खाने के साथ कर सकते हैं और मैं कर रही हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ। मतलब मैंने पूरे 48 डेज तक मैंने पूरे घर का खाना खाया है। ऐसे नहीं कि मैं उबला हुआ खाना खा रही थी वेट लॉस हो रहा था, नहीं, मैंने घर का खाना खाया और मैंने वेट लॉस किया है पूरा 4 किलो, और इसके मैंने इंचेस भी कम करी है। तो मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, हम घर के खाने के साथ वेट लॉस कर सकते हैं। तो मैं अगर कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो ना। जरूरी थोड़ी ना कि उबला हुआ खाना खाओ और पानी पियो और पूरा दिन इसी पर निकालो, ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ, पानी पीना जरूरी है, बहुत जरूरी है, तो पानी तो पियो ही, बट खाना भी अच्छे से खाओ, तभी वेट लॉस होगा और तभी हमें एक्सरसाइज करने के लिए, वॉकिंग करने के लिए एनर्जी मिलेगी, अदरवाइज कैसे मिलेगी हमें एनर्जी। तो ऐसा मेरे को लगता है कि हम वेट लॉस घर के खाने से भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं कर रही हूँ, इसलिए मैं घर का खाना खाती हूँ और उबला हुआ खाना नहीं खाती हूँ, और पानी भी पी रही हूँ, बहुत पानी पी रही हूँ, ठीक है। तो इतना नेगेटिव मत हो कि एक बार चीटिंग हो गई तो अब पूरी मेहनत वेस्ट कर दे, मत करो। एक बार चीटिंग हो जाती है, कोई बात नहीं, आगे से उस चीटिंग को मत रिपीट करना और अपना डेली रूटीन और अपनी मेहनत को वैसे ही करते जाओ, ठीक है। तो आज है हमारे 90 डेज चैलेंज का डे नंबर 49, और आज मैं सुबह उठी थी 7 बजे, ठीक है। सुबह उठने के बाद एज यूजुअल मैंने सबसे पहले भगवान जी को शुक्रिया किया इतनी प्यारी सी लाइफ देने के लिए। फिर मैंने फटाफट अपना बेड सेट किया और अब मैं पीऊंगी अपना 2 ग्लास लेमन वाटर। तो अभी बज रहे हैं 7:45 और 7:45 इतना लेमन वाटर पी रही हूँ, ठीक है, 2 ग्लास लेमन वाटर, ठीक। देखो, लेमन वाटर हमें पीना चाहिए क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल होता है और हमारे डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है, हमारे वेट लॉस में भी हेल्प करता है, डाइजेशन इम्प्रूव करता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो लेमन वाटर पीना चाहिए। अभी आदत नहीं है तो अभी अच्छा नहीं रहेगा टेस्ट, बट एक बार आदत हो जाएगी तो टेस्ट का बहुत अच्छा लगेगा। तो लेमन वाटर मैंने पी लिया, ठीक है। अब इसके 10 मिनट के वर्कआउट होते हैं और 5 या 10 मिनट का मैं करती हूँ अपना फेस फैट लॉस वर्कआउट। तो टोटल मेरा वर्कआउट बन जाता है 40 मिनट्स का, ठीक है। तो वर्कआउट किया, वर्कआउट करने के बाद मैंने किया अपना ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट यहाँ पे मैंने किया था अपना 9:30 पर, ठीक है। और आज मैंने ब्रेकफास्ट में लिया था पोहे, ठीक है। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं बैठ गई थी अपनी जॉब करने। तो यहाँ पे मैं 10 बजे बैठी थी अपनी जॉब करने, और 10 बजे से लेके मैंने अपनी जॉब करी थी 2 बजे तक, ठीक है। जॉब करी, जॉब करने के बाद हो गया था मेरा लंच का टाइम, तो मैंने अपना लंच किया था अराउंड 2:15 पर। और आज लंच मैंने यहाँ पे लिया है आलू मटर की सब्जी, उसके साथ एक रोटी, ठीक है। लंच किया, लंच करने के बाद 5 या 10 मिनट बैठी थी, ठीक है, वॉक करी थी 5-10 मिनट की, फिर मैं गई थी ट्यूशन पढ़ाने। तो यहाँ मैं 3 बजे जा रही हूँ अपने ट्यूशन पढ़ाने, ठीक है। तो 3 बजे से लेके 6 बजे तक मैंने ट्यूशन व्यूशन पढ़ाया, फिर अब मैं घर पर आई हूँ जस्ट, और अभी बज रहे हैं 6, ठीक है। अब मैं बैठूंगी 5 या 10 मिनट तक अपने हीटर के सामने, फिर मैं करूँगी अपना इवनिंग स्नैक। तो आज इवनिंग स्नैक में मैंने यहाँ पे लिया है कली और गुड़ की चिक्की, उसके साथ 3-4 डेट्स, और फिर मैंने ली 5 मिनट बाद अपनी चाय, ठीक है। तो इवनिंग स्नैक वगैरह करके मैं 7 बजे बैठ गई थी अपनी एडिटिंग करने। मैंने अपनी एडिटिंग करी थी अराउंड 8 बजे तक, फिर मम्मा के साथ गई, उनको थोड़ा खाना बनवाने में हेल्प किया,
ठीक है, उसके बाद मैंने अपना डिनर किया था, तो डिनर मैंने यहाँ पे किया था 8:30 पर, और आज डिनर मैंने यहाँ पे लिया है आलू मेथी की सब्जी, जो कि मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है आलू मेथी की सब्जी, ठीक है। उसके साथ मैंने यहाँ पे ली थी एक रोटी, ठीक है। फिर डिनर किया, डिनर करने के बाद मैं गई थी टेरेस पर वॉक करने, तो मैंने वॉक कर दी, अब से मैं 1 घंटा वॉक करने लगी हूँ, तो इस वेदर को एंजॉय करते करते मैंने पूरे अपने 1 घंटे की वॉक करी। उसके बाद मैं नीचे आई, तो मैंने वॉक करी थी अराउंड 10 बजे तक, ठीक है। नीचे आकर मैंने अपनी पढ़ाई करी थी, और पढ़ाई मैंने आज अपनी करी थी 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, मैंने 2 घंटे पढ़ाई करी थी, ठीक है। तो जी पढ़ाई भी हो गई, वॉक भी हो गई। आज मैंने पूरा 2 या 2:15, मतलब 2 या 2.25 घंटे पढ़ाई करी। मन नहीं था यार, क्योंकि आज तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है, सब फीवरिश टाइप का लग रहा है, कोल्ड भी हो गया है, तो मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, बट पढ़ना पढ़ा क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास में है, करीब 10 दिन बाद ही एग्ज़ाम्स है, तो पढ़ाई तो करनी पड़ी। 2 घंटा पढ़ाई करी मैंने अभी, ठीक है। अब बज रहे हैं 12, अब मैं जाऊंगी सोने क्योंकि मेरे को बहुत नींद आ रही है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।